हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए आप अपनी हिंदी की बुक का पेज नंबर सिक्सटी वन ले लीजिए आप देख सकते हैं आपकी हिंदी की बुक के पेज नंबर सिक्सटी वन पर पार्ट नो जैसा संग वैसा रंग यह चैप्टर आपको मिल जाएगा तो पेज नंबर सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर तक आपको यह चैप्टर मिल जाएगा साथ ही में आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसके अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर रिलेड करते हुए कंप्लीट कर सकें तो पेज नंबर सिक्सटी वन से हम आपका फर्स्टली ये पार्ट पढ़ लेते हैं और तो ध्यान रहे कि यह चैप्टर आप बच्चों से रीड करवाएं साथ ही उन्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार बिना बुक से आप उन, इस चैप्टर की जो स्टोरी है उनसे ज़रूर पूछें ताकि इसके जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के टाइम आए तो वो आंसर्स खुद से बता सके तो आइए हम आपका लेसन यहाँ पर देख लेते हैं तो पार्ट नौ यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता का विकास पाठ को रोचक बनाना और अच्छे बुरे में अंतर करवाने हेतु है, है तो यहाँ पर पाठ स्टार्ट करते हैं हम एक बार की बात है एक तोता बेचने वाला अपने दो तोते लेकर महल पहुंचा राजा को अपने तोते दिखाए वह बोला महाराज ये छोटे पिंजरे वाला लाल हरा तोता तो पाँच सौ रुपये का है और ये बड़े पिंजरे वाले तोते की कीमत मात्र पाँच रुपये है तो यहाँ पर स्टार्ट हुई स्टोरी यहाँ पर एक तोता बेचने वाला एक राजा के महल में पहुँचा और वो तोता बेचने वाला अपने साथ दो तोते लेकर महल पहुँचा राजा को अपने तोते दिखाए और कहा कि छोटे पिंजरे वाला लाल हरा तोता पाँच सौ रुपये का है और बड़े पिंजरे में जो तोता है उसकी कीमत सिर्फ पाँच रुपये है तो राजा ने आश्चर्य से पूछा भाई ऐसा क्यों वो तो आपको स्वयं तोता रखने पर ज्ञात हो जाएगा तो तोते बेचने वाले ने कहा कि अगर जब आप इन तोतों को अपने पास रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों में इतना अंतर क्यों है तो राजा ने पाँच सौ रुपये वाला तोता खरीद लिया तो राजा ने सोचा कि ये जो पाँच सौ रुपये वाला तोता है उसने वो पाँच सौ रुपये वाला तोता खरीद लिया तो तोता वाला बोला क्षमा करे महाराज आपको दूसरा तोता भी खरीदना होगा तो उसने कहा महाराज हम मुझे क्षमा करना लेकिन आपको दूसरा तोता भी साथ में खरीदना होगा महाराज को फिर हैरान हुई बोले, बोले क्यों भाई भला हम इस तोते को भी क्यों खरीदें तो, तो तोता वाला बोला महाराज ये दोनों सगे भाई हैं कभी अलग नहीं रहे हैं तो यह दोनों तोते सगे भाई हैं और कभी अलग नहीं रहे हैं इसलिए आपको इस तोते के साथ इसको भी खरीदना पड़ेगा तो महाराज ने कुछ सोचा और बोले ठीक है ये तोता भी हमें दे दो राजा ने नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं राजा ने अपने सिपाहियों से कहा सेवकों ये पाँच सौ रुपये वाले तोते को मेरे शयन कक्ष में रखो और पाँच रुपये वाले तोते का पिंजरा बाहर लटका दो और पाँच रुपये वाले तोते का पिंजरा बाहर लटका देना ऐसा राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया रात्रि के समय जैसे ही राजा सोने लगा तोते ने उसे नीति के श्लोक सुनाए राजा बहुत प्रसन्न हुआ प्रातः होते ही तोते ने राजा को भजन सुनाया तो यहाँ पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि सोते समय तोते ने उसको नीति के श्लोक सुनाया और सुबह जब वो उठा तो उसको भजन सुनाकर उसने उठाया तो यहाँ पर वह सुबह उठकर भजन गा रहा था राम राम सीताराम सोने वाले उठ जाओ प्रभु के भजन को गाओ नीत के काम में लग जाओ जब वो राजा सुबह उठा तो तोता यह भजन गाकर उसे सुना रहा था राजा ऐसा ज्ञानी तोता पाकर बहुत खुश हुआ दूसरे दूसरे दिन राजा ने दूसरे तोते को अपने शयन कक्ष में रखा रात्रि होते ही तोता घाली गलोज करने लगा राजा को बहुत बुरा लगा राजा अपना मन मार के सो गया प्रातः होते ही तोता लगा तोता लगा जोर जोर से चिल्लाने उठ गया मेरे यार चल उठ मौज मार जिंदगी के दिन है चार फिर क्यों करता है मार मार एक के बाद एक गंदी भाषा का प्रयोग तोता करने लगा अब तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया उसने फौरन आदेश दिया कि इसे मार दिया जाए राजा की बात सुनकर अच्छा तोता बोला राजा ना कर ऐसा ये संगति का है असर बचपन इसका गुजरा डाकू के घर अच्छा भला ये कैसे बोले अब राजा को सारी बात समझ में आ गई राजा ने उस तोते को अपनी यज्ञशाला के बाहर टांग दिया थोड़े ही दिनों में बुरा बोलने वाला तोता भी राम राम कहो राम राम कहो कहने लगा तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर से समझ में आ ही गया होगा कि संगति का असर बहुत ज़्यादा वो होता है जैसा संग जैसे कि चैप्टर का नाम था जैसा संग वैसा रंग तो शॉर्ट में एक स्टोरी वापस स्टार्ट करते हैं एक तोता बेचने वाले ने एक राजा को अपने दो तोते बेचे एक की कीमत थी पाँच सौ रुपये और एक की ते... कीमत थी पाँच रुपये और दोनों ही तोतों को खरीदना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोनों सगे भाई थे और उन्हें कभी अलग नहीं रखा जा सकता था तो राजा ने दोनों तोतों को खरीद लिया और उसके बाद में जो पाँच सौ रुपये वाला तोता था उसको अपने शयन कक्ष में लाए रखा और उस और जो पाँच रुपये वाला तोता था उसको अपने शयन कक्ष के बाहर लटका दिया जब उसने रात को सोने लगा तो जो पाँच सौ रुपये वाला तोता था उसने उसे रात को नीति श्लोक और सुबह उठकर भजन सुनाए दूसरे दिन राजा ने दूसरे तोते को अपने शयन कक्ष में रखा तो वो रात होते ही गाली कलूच करने लगा और सुबह उठकर वो गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा तो राजा ने गुस्से में उसे मारने का आदेश दे दिया तो अच्छे तोते ने उसे बताया यह संगति का असर है इसका बचपन डाकू के घर गुजरा है तो यह अच्छा कैसे बोलेगा तो राजा ने उसे यज्ञशाला यानी कि जहाँ यज्ञ होते थे उस शाला के बाहर टांग दिया तो थोड़े ही दिनों में वो तोता भी राम राम कहो कहने लगा तो संगति का असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो बच्चों ध्यान रखो आपको भी अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए गलत लोगों के साथ रहकर हमारी भाषा भी गलत हो जाती है और हमारी संगति उनकी संगति का असर हम पर दिखने लगता है इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए तो इस चैप्टर के शब्दार्थ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कीमत का अर्थ मोल स्वयं खुद क्षमा माफी शयन कक्ष सोने का कमरा फौरन तुरंत रात्रि रात ज्ञानी ज्ञान वाला गाली गलोच बुरी बातें प्रातः सवेरा संगति साथ ज्ञात का पता तो यहाँ पर ये शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं जिससे आपको अपनी कॉपी में रीराइट कर कर कंप्लीट करना है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बुक में फील करने के लिए दी हुई है यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए थे जी नीचे लिखे शब्दों को पांच पांच बार लिखे आपको प्रत्येक शब्द यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी को पांच बार लिखकर पूरा करना है पहला आपको यहाँ दिया हुआ है नीति आश्चर्य क्षमा महाराज और रात्रि यहाँ पर आपको ये शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको पांच बार लिखकर कंप्लीट करना है अगला आप देख सकते हैं शब्दों से वाक्य बनाइए यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर इन शब्दों से वाक्य बनाइए आपको जो दिया हुआ है इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं तो फर्स्ट पहला शब्द आपको दिया है रात्रि तो रात्रि में चंद्रमा निकलता है यानी कि जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द का प्रयोग आपको वाक्य में करते हुए इसे कंप्लीट करना है सेकेंड है क्षमा तो क्षमा मांगने पर राम को माफ़ कर दिया तीसरा है संगति अच्छी संगति का असर अच्छा होता है चौथा है बचपन मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा है डाकू तो डाकू ने गांव में डाका डाला और ज्ञानी का हमारे शिक्षक महान ज्ञानी हैं इस तरीके से आपको वाक्य पूरे करना है नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं आपको पेज नंबर सिक्सटी थ्री पर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे पेज नंबर सिक्सटी फोर पर तो आपको यहाँ जो पांच प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपको कॉपी में रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है जो कि कुछ इस तरीके से हैं प्रश्न पहला आपको दिया हुआ है तोते वाले के पास कितने तोते व किस कीमत के तोते थे तो यहाँ पर इसका उत्तर है आपका तो पहला उत्तर आपको लिखना है तोते वाले के पास दो तोते थे वह छोटे पिंजरे वाला तोता पाँच सौ रुपये का व बड़े पिंजरे वाला तोता पाँच रुपये का था इस तरीके से आपको पूरा उत्तर लिखकर पूरा करना है अगला आपका प्रश्न दो यहाँ पर दिया हुआ है तोते वाले ने राजा को दूसरा तोता भी खरीदने को क्यों कहा तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखकर कंप्लीट करना है तोते वाले ने राजा को दूसरा तोता खरीदने के लिए कहा क्योंकि दोनों तोते सगे भाई थे और कभी अलग नहीं रहे थे आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखकर पूरा करना है अगला आपको दिया हुआ है प्रश्न तीन अच्छे तोते ने प्रातः कौन सा भजन सुनाया तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है अच्छे तोते ने प्रातः राम राम सीताराम सोने वाले उठ जाओ भजन सुनाया अगला आपको यहाँ पर प्रश्न चार दिया हुआ है राजा को गुस्सा किस तोते पर आया और क्यों तो राजा को गुस्सा दूसरे तोते पर आया क्योंकि वह गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा था अगला है आपका प्रश्न पाँच इस कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखी है तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख कर इसका पूरा करना है इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर होते हैं उत्तर राइट करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर कर इसका उत्तर लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रश्न उत्तर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको व्याकरण पोर्शन दिया हुआ है जो आपको कॉपी में रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है पहला है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है यानी कि जिन दो शब्दों का अर्थ एक समान है आपको उन्हें मिलाना है जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको जो शब्द दिए हैं वो है तोता आश्चर्य सिपाही रात्रि प्रसन्न और प्रातः दूसरे कॉलम में आपको शब्द दिए हुए हैं खुश सवेरा शुक्र सेवक हैरानी और रात तो यहाँ पर तोता का अर्थ आपको बताया गया है शुक, तो तोता का मतलब भी तोता और शुक्र दोनों का ही मतलब तोता यानी कि होता है जैसे आश्चर्य का हुआ हैरानी सिपाही का सेवक रात्रि का रात प्रसन्न का खुश और प्रातः का सवेरा इस तरीके से ध्यान रहे जब आप कॉपी में रिराइट कर रहे हो तो आप सही के सामने सही उत्तर लिखकर इसका पूरा करें अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है उचित स्थान पर ओ की मात्रा लगाइए यानी यहाँ पर आपको जो शब्द दिए थे वो बिना ओ की मात्रा के थे आपको सही शब्द में ओ की मात्रा लगाकर इसे पूरा करना है तो पहला है ताता आपको दिया था तो, तो में आपकी ओ की मात्रा लगा कर इसे करना है तोता फिर नेक्स्ट है बोला आपको होगा सोने श्लोक गाओ जोर जोर इस तरीके से आपको यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है